हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आती रहे। तो दोस्तों, दर्शन सर की नई मूवी का टाइटल रिवील हो चुका है और मूवी का नाम है कातेरा और ये उसका फर्स्ट लुक मोशन पोस्टर है जो कि मैं रिएक्ट करने वाला हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इनकी प्रीवियसली जो मूवी आई थी डी बॉस सर की, वो थी क्रांति, जो कि मैं नहीं देख पाया क्योंकि अहमदाबाद में वो रिलीज ही नहीं हुई यार, और जिसका मुझे बहुत दुख है। लेकिन उसके मैंने ऑब्वियसली सॉन्ग वॉन्ग ये सब चेक किए थे, लेकिन वो OTT पे आएगी तो मैं डेफिनेटली उसको देखूंगा। लेकिन इसको देख लेते यार, इसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलने वाला है। हो सकता है उनका फर्स्ट लुक हमें इसमें रिवील होते हुए दिखे, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो यार देख लेते हैं। हथियार तैयार किए जा रहे भाई। ओके, पूरा फाइटिंग एरिना तैयार हुआ है लगता है। ओके, दर्शन सर है शायद। ओहो, इंटेंसिटी। ओके, डायरेक्टर तरुण किशोर सुधीर। ओहो, हथियार के साथ ಎರಡು ದಪ್ಪ ಕೆಂಪಾಗ್ತೈತೆ ಬೆಂಕಿಲಿ ಬೆಂದಾಗ. ಓಕೆ, ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ನೆಂದಾಗ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್. ಓಹೋ ಯಾರ್, 1974. ಓಕೆ, 1974 ಕಿ ಮೂವಿ ಹೈ. ಪವರ್ಫುಲ್ ಯಾರ್ तेरा। ओके, इसे कहते हैं अनाउंसमेंट यार। डैम यार, जबरदस्त। मतलब म्यूजिकली एनिमेटेड इसमें चीज़ें भी यूज़ की गई है, दर्शन सर का लुक भी आ गया है इसके अंदर, और हमें पता है कि कौन से एरा में है। 1974 की कोई मूवी होने वाली है। ऑब्वियसली मुझे पर्सनली नहीं पता कि स्टोरी के बारे में, कि स्टोरी किस बारे में होगी। ऑब्वियसली जो ऐसी मूवी होती है जिसमें हमें ऑब्वियसली जो पुराना एरा दिखाया जाता है उस हिसाब की हमें सिनेमाटोग्राफी नज़र आती है, जो कि हम वेदा में देख चुके हैं, जो 1960 की मूवी थी, और उस सिनेमाटोग्राफी के अंदर हम देख सकते थे, डायरेक्शन के अंदर देख सकते थे कि उन्होंने किस तरीके से उस एरा को तैयार किया था। तो यहाँ पे 1974 की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा वहाँ पे, क्योंकि हम देख रहे हैं दर्शन सर को अपने हथियार के साथ, तो ऐसा क्या होने वाला है ये देखने लायक होगा। और उनके आसपास कितने सारे लोग हैं, तो अब ऑब्वियसली पता चल रहा है कि उनके काफ़ी सारे सपोर्टर्स हैं, और बहुत मतलब इतना तो पता चल गया कि भाई फुल ऑन एक्शन मूवी होने वाली, जिस हिसाब से उन्होंने ये पूरा कॉन्सेप्ट तैयार किया है, एक्शन तो बहुत धमाकेदार होने वाला है, और BGM उतना ही धमाकेदार है जिस हिसाब से BGM इसका तैयार किया गया है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और जैसे मैंने कहा कि यार क्रांति मूवी मैं नहीं देख पाया क्योंकि यहाँ अहमदाबाद में रिलीज़ ही नहीं हुई, और ये पता नहीं मुझे बहुत लग रहा है कि यार ये क्यों हो रहा है। मतलब कनाडा मूवीज़ इतना अच्छा कर रही है और बैक टू बैक इतने अच्छे ट्रेलर्स आ रहे हैं, मूवीज़ आ रही है, लेकिन उनका रिलीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है। खासकर मतलब गुजरात का एक अच्छा स्टेट है यार अहमदाबाद, जहाँ पे हमें ये मूवी रिलीज़ होते हुए नहीं दिखी, ये बहुत हैरानी की बात थी। और अब ऐसी और हैरानी की बात ना हो यार, मतलब ये मूवी, ये मुझे पता नहीं कि अभी कि ये बाकी सारे लैंग्वेज में रिलीज़ होने वाली है कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर सबटाइटल नहीं था तो मैं समझ नहीं पाया बीच में जो डायलॉग हुए। लेकिन स्टिल मैं होप करूंगा कि ये यहाँ रिलीज़ हो और मैं इसको डेफिनेटली देखना चाहूँगा। और आपको कैसा लगा ये जो फर्स्ट लुक मोशन पोस्टर था ये, गाइस आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।